अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल और आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज आपको मैं लेके चलूँगा कराची के करीब कोई इंतहाई खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स जो टूरिस्ट की और कराची के लोगों की नज़रों से ओझल हैं। तो चलते हैं, ये पॉइंट्स गडाप टाउन में है और गडाप टाउन में इनका रास्ता कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू होता है, किस तरह निकलना जाता है, कहाँ से शुरू होता है, तो वो सब मैं आपको डिटेल में ए टू जी बताने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में इन पॉइंट्स की गूगल मैप पे कोऑर्डिनेट भी मैंने अपलोड कर दिए गूगल मैप से, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी लोकेशन ले सकते हैं। बाकी आगे बड़े अच्छे अच्छे सीन आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों ने साथ रहने वीडियो में, तो चलिए मेरे साथ। सर स्क्वायर लियाई एक्सप्रेस वे के टूल प्लाजा पहुँच चुका हूँ मैं और ये रही बाइक, बारिश की वजह से फुल गंदी हुई हुई है और यहाँ पर मुझे ज्वाइन करेंगे उवैस भाई, बस आते ही होंगे वो। तो फिर लियारी एक्सप्रेस वे से होते हुए अपना सफ़र इंशाल्लाह आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये आ गए उवैस भाई, तो चलते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। रात पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बाइक्स में फ्यूल अप करवाएंगे क्योंकि मेरी बाइक में बिल्कुल एंड हो रहा है और ये जर्नी होगी ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना, तो 120-130 किलोमीटर की जर्नी होगी, उसी हिसाब से फिर फ्यूल डलवाएंगे। तो बाइक में फ्यूल फुल करवाते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये नहीं दोनों बाइक्स और फ्यूल फुल करवा लिए है, अब इंशाल्लाह बस जमील भाई का थोड़ा सा इंतज़ार है, वो आए नाश्ता करेंगे फिर अपनी मंजिल की तरफ। दो ऑप्शन हैं यहाँ जाने के लिए, एक तो ये है कि आप बैरिया टाउन से जा सकते हैं, दूसरा ये आप गडाप टाउन से जा सकते हैं। गडाप टाउन वाला रास्ता आजकल ग्रीन हुआ है काफ़ी बारिश के बाद, लेकिन ये बैरिया टाउन वाला ज़्यादा साफ़ सुथरा है, सुकून से है, तो देखते हैं कौन सा रास्ते से हम जाते हैं, जो भी होगा मैं आपको देखूँगा। तो जमील भाई भी आ गए हैं, ये रही जमील भाई की बाइक GS 150 और जमील भाई अभी रिसेंटली स्कर्टू स्टोर वगैरह का टूर करके आए हैं, तो अभी आ गए हम, चलते हैं। तकरीबन 45 मिनट्स ये लेट आए हैं, बस ये वेट करना पड़ता है अब जो ग्रुप मेंबर्स हैं, तो अब चलते हैं आगे और इंशाल्लाह अब नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स गडाप टाउन। गडाप टाउन की खूबसूरती आज मैं आपको दिखाऊँगा और बैरिया टाउन से होते हुए निकलेंगे, तो चलते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कराची हैदराबाद M9 मोटरवे और ये टूल प्लाजा आ गया है M9 मोटरवे का। बाइक्स का कोई टूल नहीं होता और ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा मोटरवे है जिस पर बाइक चलाओ है, मगर ये मोटरवे बस नाम नेहाद मोटरवे है क्योंकि इसके बीच में खड्डे भी हैं और थर्ड लेन साइड वाली लेन बहुत कच्ची है। तो ये रहा टूल प्लाजा, ये कैश लेन है, एमटेक नॉन एमटेक। तो नाश्ता हमारा आ गया, पूरियाँ और फुल ये तरीके से लाया मगर तरकारी बहुत थोड़ी थोड़ी सी है, तो अब नाश्ता करेंगे फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। नाश्ता कर लिया है, बॉयज़ रेडी हो रहे हैं, ये जमील भाई पैड्स अपने पहन रहे हैं और ये उवैस भाई भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, तो बस चलते हैं आगे और सब अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ऑफिशियली यहाँ से अपनी राइड का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानल्लज़ी सफ़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये अल्लाह पाक हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे, अच्छा गुजरे। और ये सामने रहा कराची हैदराबाद M9 मोटरवे और बैरिया टाउन आने वाले, बस ये रहा VIP उस्मानिया रेस्टोरेंट। उस्मानिया से पहले हम थोड़ा रुके थे हलवा पूरी खाने के लिए और 29 किलोमीटर यहाँ से अभी हमारा पॉइंट, तो चलते हैं बैरिया टाउन में फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ की मशीन दिखा। ये बैरिया टाउन का फर्स्ट गेट है और ये टूल टाइप का बना हुआ है, लेकिन बाइक्स यहाँ से इजीली क्रॉस हो सकती हैं। अगेन वही जो कराची गेट से यहाँ पे आते हैं उनके लिए कुछ टूल होता होगा मिनिमल सा, लेकिन बाइक्स वालों के लिए यहाँ पे भी कोई टूल नहीं होता। और ये आ गया बैरिया टाउन का गेट, ऑफिशियली वेलकम टू बैरिया टाउन। जो यहाँ पर रेस वगैरह लगाने के लिए आते हैं तो उनको ये अंदर मुश्किल से जाने देते हैं या नहीं जाने देते,
इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के जा रहे हैं। और ये रहा शानदार सा बहरिया टाउन का गेट, और फाइनली बहरिया टाउन में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे रुकेंगे और अब जमील भाई का इंतज़ार करेंगे। जमील भाई आ रहे हैं, उनको बोला कि आप 2-3 मिनट बाद आइएगा ताकि अंदर एंट्रेंस के वक्त कोई चरान ना हो, कोई मसला ना हो। तो आ रहे हैं वो भी बस। उवैस भाई और मैं यहाँ पहुँच चुके हैं। एफिल टावर का बोर्ड और ये रास्ता सीधा जाता है बहरिया टाउन के एफिल टावर को, और जो हमारी लोकेशन है वो यहाँ से अभी भी 24 किलोमीटर है। और ये सामने कोई एडवेंचर लैंड टाइप का है, तो आप लोगों ने यहाँ से टर्न लेना है, उसके बाद जिना एवेन्यू वाले रोड पे हैं। बाकी आगे की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से एफिल टावर का रास्ता जाता है, और वो रहा सामने एफिल टावर। तो वो रहा सामने एफिल टावर, और यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं। थोड़ी मैप वैप लगाया है, मैप को थोड़ा समझे, थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। तो मैप अभी कह रहा है कि वापस जाओ इसी रोड पे। तो सर्विस रोड से होते हुए इंशाल्लाह फिर अभी बहरिया टाउन को छोड़ेंगे और फिर कच्चे के इलाके में एंटर हो जाएंगे। कच्चा अच्छा वाला कच्चा है, वो वाला कच्चा नहीं है जो सिन वाला कच्चा होता है, ये अच्छा वाला कच्चा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो चलें आप लोगों को भी अच्छे से सुनिए। तो यहाँ से अब वापस टर्न होंगे, बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अभी सर्विस रोड पकड़ लेंगे हम, क्योंकि आगे तो रास्ता नहीं बता रहा, हमें यहीं से जाना पड़ेगा। गेट आया है गेट नंबर 19, इससे अब हम लोग निकलेंगे। तो लाहौती हम जा रहे हैं, और रास्ते में हमें एक दो जगह मैप में बहुत भटकाया है, और बहरिया टाउन से निकलने में मुश्किल हो गया था। तो वो स्टोरी मैं आपको पहुंच के बताऊंगा। फ़िलहाल अभी ऑफ रोड सेक्शन शुरू हो गया है, और बड़े मज़े का ऑफ रोड है, मज़े से हम जा रहे हैं। बीच में एक दो वाटर क्रॉसिंग आई हुई है, अभी छोटी छोटी, पानी इतना नहीं है क्योंकि अभी बारिश भी इतनी नहीं हुई है। वन एंड वाटर क्रॉसिंग में अच्छा खासा पानी आता है, समटाइम्स बारिश के सीज़न में सैलाबी रेला भी बन जाता है। तो ये रहा थोड़ा बहुत पानी, बाकी अभी चलते हैं आगे, बस 2.5 किलोमीटर ही रहता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है सेफली पहुँच जाएंगे। अब इस पॉइंट पर लोकल ने बदमाशी मचाई हुई है, यहाँ पर आपको 100 रुपये एंट्री देनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ से नीचे उतरने देंगे। और ये आ गया सामने पॉइंट, पहले 100 रुपये दें आप, उसके बाद ही आपको नीचे आने देंगे। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपनी बाइक्स और यहाँ करेंगे कैंपिंग। कैसे हैं भाई? यहाँ लगा दी अपनी बाइक, और ये रहा पॉइंट, जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकला। जी भाई, मज़ा आया आपको? चलें बेहतरीन हो गया।